असलकम uh, दोस्तों मैं आपका दोस्त आकिब अच्छा ये ना एक और ये फ्लेमिंगो की प्रोडक्ट है और बहुत ही ये अच्छी प्रोडक्ट है ये है फ्यूल सिस्टम क्लीनर ना फ्लेमिंगो का ये मैं गाड़ी में भी इस्तेमाल कर चुका हूँ और इससे वैसे जो है मेरी गाड़ी जो है वो एवरेज जो है वो तकरीबन सत्रह अठारह की देती थी लेकिन जिससे जिस टूर पर मैं ये वाला ये डाल के उसमें फ्यूल टैंक में गया हूँ तो ये तकरीबन इसकी एवरेज जो है ना तकरीबन डेढ़ से दो किलोमीटर एक्स्ट्रा हो गई है तो यानी वो वंस हुई थी लेकिन ये को उसके बाद भी जो है ना उसकी पिकचिक उसमें भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आया ना तो ये फ्लैमिंगो है कंपनी ये फ्लैमिंगो कंपनी वैसे भी प्रोडक्ट्स इनके प्राइस भी रिजनेबल है काफ़ी ज़्यादा और ये है कि ये क्वालिटी भी अच्छी है इस प्रोडक्ट्स की ना यानी दर मानी और भी प्रोडक्ट्स हैं ये फ्यूल सिस्टम क्लीनर के हिसाब से लेकिन वो काफ़ी महंगी हैं तकरीबन दो हज़ार तीन हज़ार रुपये की ना ये तकरीबन आठ साढ़े एक आठ सौ रुपये का आठ से साढ़े आठ सौ रुपये का आपको ऑनलाइन दराज से या फिर उधर से पाक व्हील वगैरह से भी मिल जाएगा या इसी शॉप वगैरह से भी मिल जाएगा ये वाला प्रोडक्ट जो है ना तो ये एक तो ये करता है कि आपकी फ्यूल आ, जो है इसकी इकोनमी वो भी ये बढ़ाता है और उसके अलावा जो है फ्यूल सिस्टम यानी क्लीन करता है आपका जहाँ जहाँ पे इंजेक्टर वगैरह हो गए या इस तरह की जो चीज़ें होगी ना वो सारी वो भी क्लीन करता है और टैंक में आपको पता है मुख्तु किस्म का कभी कोई ईरानी पेट्रोल होता है और इस तरह से दूसरे पेट्रोल वगैरह आप जो है ना वो भी इस्तेमाल होते हैं यानी मिट्टी का तेल वगैरह भी आप पता है शामिल शुमल कर देता है ना इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना उसको भी ये क्लीन करता है तो ओवरऑल इसकी जो है ना वो मुझे तो अच्छी लगी इसकी। आ, मतलब है इसकी मतलब एफिशिएंट है ये ना और वैल्यू टू मनी भी है ये और इसके अलावा जो है जो इन्होंने इसके ऊपर लिखा हुआ ये तरी पावर एंड एक्सेलरेशन वगैरह अगर स्मूथ स्मूथ आउट रफ आइडलिंग वो भी है इसमें और आ, क्लीन एंड कंडीशन फ्यूल डिलीवरी सिस्टम हो गया इंक्रीज फ्यूल इकॉनमी हो गया रिड्यूस एग्जास्ट इमिशन हो गया ना तो ये है ये आ, है चार सौ तिहत्तर एम की ना बोतल जो है सो ये इसमें ये तकरीबन अस्सी से जो है ना जैसा इसके ऊपर भी लिखा हुआ है साठ से अस्सी लीटर तक ना के लिए काफ़ी है यानी आम जो गाड़ियाँ होती हैं जिस तरह कोई छोटी गाड़ी वैगनार वगैरह होगी या मेहरान वगैरह होगी मेहरान का पैंतीस लीटर का होता है मेहरान का तकरीबन मेरे ख्याल में तीस लीटर का होता है या पच्चीस लीटर का होता है टैंक और इस तरह जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उस हिसाब से यानी ये टोटल जो है वो अस्सी से साठ से अस्सी लीटर का के लिए इनफ है और तीन हज़ार किलोमीटर के ऊपर रिकमेंड किया हुआ कि अगर ये आप इस्तेमाल करें तो ये काफ़ी अच्छा और इसके साथ अगर आप और भी कोई फ्लैमिंग की चीज़ें इसमें ऐड कर आ, करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं तो ये है इसका उसका इसमें बाइक वगैरह में भी डाल सकते हैं आप इसको उसमें ये है कि कुछ आजकल जिस तरह का इशू है कि प्राइडर वगैरह हो गई या कुछ और भी बड़ी जो सूखी वगैरह की बाइक्स वगैरह उनका ये इशू होता है कि वहाँ वो जो है ना वो नॉर्मल यानी हमें जो कारीगर इतना अच्छा नहीं मिलता जो उसको अच्छे तरीके से उसकी ट्यूनिंग ट्यूनिंग कर सके तो उसके लिए बेहतर यह है कि बजाय है कि आपने जो ट्यूनर के ऊपर उसको तीन चार सौ रुपये देना है उससे बेहतर यह है कि आप ये इस तरह का फ्यूल जो है यानी ये साठ से अस्सी लीटर के लिए है और मोटरसाइकिल की फ्यूल टैंक यानी कोई दस किसी की दस लीटर होती है किसी की आठ होती है किसी की बारह पंद्रह लीटर होती है उसमें थोड़ा थोड़ा भी डालते रहें आप बक्फे-बक्फे से तो ये तकरीबन आलमोस्ट वही जो है ना वो आपका जो इन फ्यूल सिस्टम है उसको भी ये अच्छे से क्लीन कर देगा तो अभी इसको मैं आपको थोड़ा सा इसका वो उसमें है इसमें पेट्रोल है उसमें थोड़ा सा डाल के भी इसको थोड़ा सा आपको डेमो भी करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से जो है ना ये करता है अच्छा तो फिर इसको मैंने ये कर लिया ओपन तो अब इसको इसमें डाल के देखते हैं ये मेरे पास है तकरीबन कोई दो ढाई लीटर है इसमें पेट्रोल इसमें तो थोड़ा सा ही डलेगा वैसे लेकिन जो है आप इसको अपने उस हिसाब से ज़रूरत के हिसाब से बेशक आप इस तरह से डाल लें वैसे भी अगर टेंकी में डालना चाहें तो वैसे भी डायरेक्ट उसमें पेट्रोल के हिसाब से जिस तरह होता है कि पंप से आपने पाँच लीटर या सात लीटर या दस लीटर जितना भी अपने मैनेज किया हुआ अपने महीने के हिसाब से उसको आप ये कर सकते हैं उसमें उसमें डायरेक्ट भी डाल सकते हैं तो इसको अब डालते हैं इसमें तो ये देखें इसका काफ़ी जो है ना ये अच्छे तरीके से जो है ना वो इसके साथ रिएक्शन कर रहा है इसके पेट्रोल के साथ ना तो इसका मतलब ये है कि इसको हम ऊपर से ढक्कन इसका बंद कर देते हैं ताकि फ्यूम्स ना बने ये पता नहीं है मैं कैमरे में आपको दिखा पा रहा हूँ क्या नहीं दिखा पा रहा इसमें छोटे छोटे जो है ना जिस तरह वो पूरा एक रिएक्शन हो रहा होता है ना हल्के 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 ज़रात जिस तरह से आ रहे होते हैं बिल्कुल उसी तरह से कर रहा है उसके साथ रिएक्ट कर रहा है देखें इसका कलर भी जो है ना वो भी चेंज हो गया है तो ये मतलब तीन हज़ार किलोमीटर लिखा हुआ है तो आप उस हिसाब से यानी इतने के ऊपर तकरीबन आम नॉर्मली हम ट्यूनिंग श्यूनिंग करवाते हैं तीन हज़ार चार हज़ार रुपये पे चार हज़ार रुपये तो उससे ट्यूनिंग भी करवाए चले वो होता है कि मतलब ज़्यादा अरसे की बात कराता है लेकिन ये आप पीरियडिकली अगर इस्तेमाल करते रहेंगे तो फ्यूल सिस्टम भी अच्छा रहेगा प्लस ये जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है ना अपनी गाड़ी में भी मैंने देखा है कि इसका जो है ना वो इसने किया है एवरेज भी मुझे अच्छी दी है और उसके बाद जो है ना इसने उसकी पिक भी यानी गाड़ी की बहुत अच्छी होगी थी ना यानी साफ ज़रा जब आपका इंजेक्शन सिस्टम सारा क्लीन हो जाएगा तो उससे फिर बहुत ज़्यादा गाड़ी का फ़र्क पड़ता है तो ये प्रोडक्ट मंगवाई थी मैंने कहा इसका आपके साथ इसका रिव्यू शेयर कर दूँ तो काइंडली कमेंट्स में बताएँ कि आप इसको यूज़ करके आप भी अपनी इसके बारे में राय प्रोडक्ट के बारे में अपनी राय बनाएँ थैंक यू